हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट हिस्ट्री ट्रैक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चनों को लेके आ गया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रेलवे एनटीपीसी और आरसी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इन सभीों के लिए जनरल साइंस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आ गया हूँ, वो भी एमसीक्यू के तहत। और ये क्वेश्चनों को मैंने खुद से बुकों से बनाए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तो आपके क्वेश्चन काफ़ी कवर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने बुक जो हरियंत बुकों से पढ़ा होगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने इसे हरियंत और दृष्टि पब्लिकेशन की बुकों से क्वेश्चनों को बनाया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो जो लोग चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बेल आइकन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। अब हम आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की जो आहार नाल होती है कितने फीट लंबी होती है? 30 फीट, 35 फीट, 40 फीट, 45 फीट। तो मनुष्य की आहार नाल कितने फीट लंबी होती है? 30 फीट लंबी होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो मनुष्य की आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है? तो मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर मनुष्य की आहार नाल क्या होती है? लंबी होती है। यहाँ पर मीटर में पूछा जाएगा तो 8 से 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? मनुष्य की आहार नाल के भाग क्या हैं? मनुष्य की आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख, गुहा, ग्रसनी, आमाशय, आहत, ये सभी क्या होते हैं? मनुष्य की आहार नाल के भाग होते हैं। और मैंने एक भाग इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो पहला भाग कौन सा है? मुख, गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसनली। मैंने ग्रसनली भाग नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मनुष्य की आहार नाल में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन में है, मनुष्य की आहार नाल में कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। इसको यहाँ पर सुधार लीजिएगा दोस्तों, 5 भाग होते हैं। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, चौथा आंत, पांचवा ग्रसनली। 5 भाग होते हैं मनुष्य की आहार नाल में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी हो जाएगा दूसरे का, ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा 5, डी नंबर। चौथा है, आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा चौथे का, मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में जीव और दांत भी होते हैं। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गलसुआ या मम्स बीमारी किस वायरस से होती है? गलसुआ मम्स बीमारी किस वायरस से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पैरामेक्सो वायरस के द्वारा होती है गलसुआ मम्स बीमारी। ठीक है, इस बीमारी में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसमें सूजन और जलन होने लगता है। तो राइट आंसर इसका होगा पैरामेक्सो वायरस। अगला क्वेश्चन, गलसुआ मम्स बीमारी से किस ग्रंथि में सूजन और दर्द होने लगता है? किस ग्रंथि में सूजन और दर्द होने लगता है? मैंने आपको बताया अभी, पैरोटिड ग्रंथि में दर्द और सूजन होने लगता है। राइट आंसर इस बी होगा, श्लेष्म ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। श्लेष्म ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है, क्या ढका रहता है आपको बताना है। पहला है प्रकोष्ठ, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसनली, चौथा सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ ढका होता है। ठीक है, प्रकोष्ठ होता क्या है? देखिए, मुख के अंदर की तरफ प्रकोष्ठ में खुलता है, जो कि होंठ व गाल तथा दांत और जबड़े के बीच स्थित स्थान होता है प्रकोष्ठ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रकोष्ठ ए नंबर। और अगला क्वेश्चन क्या है? मुख गुहा के ऊपरी भाग को कहते हैं, मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पहला है तालू, दूसरा प्रकोष्ठ, तीसरा ग्रसनी, चौथा ग्रसनली। तो मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालू कहते हैं। ठीक है, तालू कहते हैं। तालू होता किस में है? मुख गुहा में ही स्थित होता है तालू। मुख गुहा गाल व होठों द्वारा घिरी एक गुहा होती है। मुख गुहा में दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को ही हम तालू कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और दांत के नाम क्या है? कृतंक दांत, रदनक दांत, अग्र चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्यों में। और जो प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ठीक है, जो कि 8-8 2 पंक्तियों के समान रूप से लगे हुए होते हैं। मनुष्य में अगर पूछा जाए कि मनुष्य के जबड़े में कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, तो 16 दांत होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 8-8 दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ठीक है,
राइट आंसर यहाँ पर फिलहाल पूछा गया, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहते हैं, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? पहला है जीवा, दूसरा मज्जा, तीसरा शिखर, चौथा कोई नहीं। तो प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। राइट आंसर बी, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? तो पहला भाग है यहाँ पर अग्रभाग, दूसरा पार्श्व भाग बोलते हैं जिसको किनारे, तीसरा पश्च भाग, चौथा सभी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अग्रभाग, अग्रभाग होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि अग्रभाग कहाँ होता है, पार्श्व भाग या किनारा कहाँ होता है और पश्च भाग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं डायग्राम में आ गया हूँ, जीभ के स्वाद के क्षेत्र पीछे वाला जो भाग होता है देखिए कड़वा है, बीच में जो भाग है खट्टा, और जो आगे का भाग है अग्रभाग जिसको बोलते हैं वहाँ पर मीठा भाग है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या निकल के आने वाला, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था? जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? किस भाग में मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? अग्रभाग में, आगे की तरफ होती हैं। ठीक है, राइट आंसर ए। तो अगला क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की कलिकाएं होती है? खट्टे स्वाद की कलिकाएं कहाँ पर होती हैं? किनारे में, मैंने देखा था पार्श्व, मतलब किनारे साइड होती हैं खट्टे स्वाद की कलिकाएं। तो राइट आंसर होगा अपना सी नंबर। फिर से एक बार चलिए दिखा देते हैं, देखिए खट्टे स्वाद की कलिकाएं कहाँ पर है? किनारे साइड बनी हुई, पार्श्व जिसको बोलते हैं खट्टे स्वाद की कलिकाएं, कड़वा के नीचे लिखा हुआ है खट्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर किनारे, पार्श्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में कड़वे स्वाद की कलिकाएं होती हैं? कड़वे स्वाद की कलिकाएं कहाँ पर होती हैं? आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा पश्चिम भाग, पीछे की ओर होती हैं खट्टे स्वाद की कलिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ग्रसनी, ग्रसनी 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, ग्रसनी कितने सेंटीमीटर लंबी होती है आपको बताना है? तो 12 सेंटीमीटर, 15, 18, 20। तो ग्रसनी 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से भोजन किसके द्वारा ग्रस नली में पहुंचता है? किसके द्वारा भोजन ग्रस नली में पहुंचता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रसनी, दूसरा आमाशय, तीसरा मुख गुहा, चौथा सभी। तो राइट आंसर ग्रसनी होगा। ठीक है, ग्रसनी भोजन जो होता है वह ग्रसनी के माध्यम से ही ग्रसनली तक पहुंचता है, और जो ग्रसनी होती है 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और तालू के पीछे स्थित नली होती है ये। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा, ग्रसनी के द्वारा भोजन ग्रसनली में पहुँचता है। आमाशय का आकार कैसा होता है आपको बताना है कि आमाशय का आकार कैसा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी नंबर, जे आकार का आमाशय का आकार होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, आमाशय का कौन सा भाग ग्रसनली में खुलता है? आमाशय का कौन सा भाग ग्रसनली में खुलता है आपको बताना है? पहला है कार्डिक आमाशय, दूसरा फंडिक, तीसरा पायोलोरिक और चौथा है कोई नहीं। तो आमाशय का कौन सा भाग ग्रसनली में खुलता है? तो राइट आंसर होगा कार्डियक आमाशय, ए नंबर होगा। ठीक है, कार्डियक आमाशय आमाशय का ऊपरी भाग होता है और यह ग्रसनली में खुलता है, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, आमाशय का मध्य भाग कहलाता है? आमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? आमाशय का मध्य भाग फंडिक आमाशय कहलाता है। ठीक है, फंडिक यह आमाशय का मध्य भाग होता है। और आमाशय के कितने भाग होते हैं? टोटल आमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डिक, दूसरा फंडिक, तीसरा पायोलोरिक। ठीक है, जो पायोलोरिक जो आमाशय का भाग होता है वह निचला भाग होता है सबसे। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग होता है अपना कार्डिक आमाशय, दूसरा फंडिक मध्य भाग होता है जो कि, और तीसरा भाग होता है पायोलोरिक जो कि निचला भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आमाशय का मध्य भाग तो हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है, आमाशय का ऊपरी भाग कौन सा होता है? आमाशय का ऊपरी भाग बताना है आपको, कार्डिक आमाशय सबसे ऊपरी भाग होता है और फंडिक निचला होता है, उससे सबसे नीचे वाला होता है पायलोरिक आमाशय। तो राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कार्डिक आमाशय। आमाशय का आवरण प्रत्येक कितने घंटों में बदलता रहता है? आमाशय का जो आवरण होता है कितने घंटों में बदलता रहता है? पहला 45 घंटे, दूसरा 36 घंटे, तीसरा 40 घंटे, चौथा 50 घंटे। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 36 आवर्स में आमाशय का जो आवरण होता है वो बदलते रहता है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, राइट आंसर ए नंबर होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है, जो कि 6 मीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कितना कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत जो कि चौड़ाई में सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है, और
इसकी जो चौड़ाई होती है वह लगभग 2.5 इंच चौड़ी होती है और जो लंबाई होती है 5 फीट लंबी होती है आहार नाल। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है बड़ी आंत। छोटी आंत के कितने भागों में बांटा गया है? छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 भाग। और 3 भाग हैं कौन कौन? पहला पहला है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांत्र, तीसरा है शेषांत्र, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर होगा 3 भागों में बांटा गया है। जो ग्रहणी होती है तो यह कितने फीट लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है जो कि सी आकार का होता है, ठीक है, सी आकार का होता है। और ग्रहणी के मध्य भाग में ही अग्नाशय स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है ग्रहणी के मध्य भाग में ही अमाशय स्थापित, सॉरी अग्नाशय स्थापित होता है, अमाशय नहीं अग्नाशय। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत किन भुजाओं के मध्य अग्नाशय होता है? छोटी आंत किन भुजाओं के मध्य अग्नाशय होता है? आपको मैंने बताया अभी, ग्रहणी के मध्य अग्नाशय स्थित होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का प्रारंभिक अकुंडलित भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का प्रारंभिक अकुंडलित भाग कौन सा होता है? अभी मैंने बताया ग्रहणी होती है, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग अब पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, तीसरा शेषांत। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सी नंबर, ठीक है, शेषांत होगा। ये लगभग 3.4 मीटर लंबी नलिका होती है। यह छोटी आंत की सबसे लंबी भाग होता है। यह बड़ी आंत के उंडकों में खुलता है, ठीक है, उंडकों में खुलता है ये शेषांत। अरे छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल व वसा का पूर्ण रूप से पाचन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है छोटी आंत में होता है, दूसरा बड़ी आंत में, तीसरा अमाशय में, चौथा सभी में। तो राइट आंसर होगा ए नंबर, छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत पर रसांकुर पाए जाते हैं जो कि ऊतकों से ढके होते हैं, वे कौन से ऊतकों से ढके हुए होते हैं? अगर पूछा जाए तो एपिथेलियम ऊतकों से ढके हुए होते हैं। राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक होगा, ठीक है। लार ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? आपको बताना है कि लार ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं। तो पहला है मुख गुहा, दूसरा आंत, तीसरा ग्रसनी, चौथा ग्रसनली। तो लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती हैं, ए नंबर, ठीक है। लार का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है 6 से 8, दूसरा 6 से 10, तीसरा 10 से 12 और चौथा है 3 से 5। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 से 8। लार का पीएच मान होता है 6 से 8 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लार में किस प्रकार का पाचन एंजाइम होता है? लार में किस प्रकार का पाचन एंजाइम होता है आपको बताना है। अल्फा एमाइलेज, दूसरा बीटा एमाइलेज, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो लार में किस प्रकार का पाचन एंजाइम होता है? तो पहला राइट आंसर हो जाएगा अल्फा एमाइलेज, लार में पाचन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ये अल्फा एमाइलेज होता है वह स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, अल्फा एमाइलेज। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा पित्ताशय में, तीसरा यकृत में, चौथा सभी में। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं यहाँ पर अमाशय में पाई जाती हैं। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथियों की प्रकृति होती है वह अम्ली होती है, ठीक है। जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जठर ग्रंथियां होती है चलिए बताते हैं आपको हम। श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं, और दूसरा होती है पैराइटल कोशिकाएं होती है, और तीसरा होती है प्रधान कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जठर ग्रंथि HCl हाइड्रोक्लोरिक का स्त्रवण करती हैं? कौन सी ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक का स्त्रवण करती हैं? तो पहला है पैराइटल कोशिकाएं, दूसरा है श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं, और तीसरा है प्रधान कोशिकाएं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पैराइटल कोशिकाएं HCl का स्त्रवण करती हैं। राइट आंसर ए नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन, कौन सी जठर ग्रंथियां पेप्सिन प्रो एंजाइम लाइपेज का स्रवण करती हैं? पहला है पैराइटल, दूसरा श्लेष्मिक, तीसरा प्रधान। तो राइट आंसर यहां पर होगा सी नंबर, ठीक है, प्रधान। प्रधान जो कोशिकाएं होती हैं वह पेप्सिन प्रो एंजाइम लाइपेज का स्रवण करती हैं। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यकृत की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यकृत की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो पहला राइट आंसर हो जाएगा हिपेटिक ल्यूबुलस, हिपेटिक ल्यूबुलस हो जाएगा, जो कि गिल्सन कैप्सूल नामक पतली संयोजी ऊतक की परत से ढका हुआ होता है, ठीक है। और जो यकृत होता है वसा संयोजी कोशिका में उपस्थित होता है, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसकी जो लंबाई होती है 15.22 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह 1.5 किलोग्राम का भारी होता है, 1.5 किलोग्राम भारी होता है यकृत, और सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाए हिपेटिक ल्यूबुलस। अगला क्वेश्चन, यकृत की कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यकृत में कैसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यकृत में कैसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो वसा संयोजी कोशिकाएं यकृत में होती हैं, ठीक है, वसा संयोजी कोशिकाएं यकृत में उपस्थित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यकृत में कैसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वसा संयोजी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यकृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन 8.6, दूसरा 2, तीसरा 6, चौथा 4.5। तो पित्त का पीएच मान जो होता है 8.6 होता है, पित्त का पीएच मान होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। और यकृत द्वारा प्रतिदिन 500 से 1000 मिली लीटर पित्त का स्रवण किया जाता है, यकृत के द्वारा 500 से 1000, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पित्त रस की प्रकृति होती है, पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, ठीक है। तो पित्त रस की प्रकृति यहाँ पर होती है क्षारीय प्रकृति का होता है पित्त रस, और पित्त रस का पीएच मान 8.6 होता है, जो कि मैंने बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जठर रस की प्रकृति होती है, जठर रस की प्रकृति कैसी होती है मैंने बताया है अपने कुछ देर पहले, कुछ क्वेश्चनों के पहले मैंने बताया कि जठर रस की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, जठर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं मैंने बताया। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ग्लाइकोजिनोसिस प्रक्रिया कहलाती है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोसिस कहलाती है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, यकृत में किसके द्वारा अमीनो अम्ल को पाइरूविक अम्ल व अमोनिया में विखंडित किया जाता है, यकृत में किसके द्वारा अमीनो अम्ल को पाइरूविक अम्ल व अमोनिया में विखंडित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विमेनीकरण ए नंबर, विमेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल को पाइरूविक अम्ल व अमोनिया में विखंडित किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुधिर का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, रुधिर का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? पहला यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा अग्नाशय। तो राइट आंसर होगा यकृत, यकृत में रुधिर का निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, वह यकृत में किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? पहला यकृत कोशिकाएं, दूसरा अग्नाशय कोशिकाएं, तीसरा आंत्रीय कोशिकाएं। तो यहां पर राइट आंसर होगा यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वह हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ए नंबर। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, अग्नाशय का आकार पूछा गया है, तो अग्नाशय का आकार कैसा होता है? पहला सी, दूसरा जे, तीसरा एल, चौथा आई। तो अग्नाशय का आकार कैसा होता है, सी रूप में अग्नाशय का आकार होता है, और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, और अग्नाशय 12.15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और अग्नाशय का अगर भार पूछा जाए तो 60 से 90 ग्राम अग्नाशय का भार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ही है, सामान्य व्यक्ति का अग्नाशय का भार कितना होता है, सामान्य व्यक्ति में अग्नाशय का भार कितना होता है? तो 60 से 90 ग्राम अग्नाशय का भार होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। सक्स इंटेरिक्स किसे कहते हैं, सक्स इंटेरिक्स किसे कहते हैं आपको बताना है। पहला है आंतरी ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय, तीसरा अमाशय, चौथा यकृत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंतरी ग्रंथि सक्स इंटेरिक्स कहते हैं,
ए नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज ख़त्म हो गई है और मैंने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने कवर कर दिया गया है। मानव पाचन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों को ऐसे ही हर चैप्टर के माध्यम से करवाता रहूँगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट के थ्रू बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।